अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो क्या चल रहा है आजकल? आजकल चल रहा है शीजा फीजा फीजा शीजा सिया फीजा फीजा शीजा जैन फजाद फजाद जैन। जब हम बचपन में थे, हम छोटे थे, तो हमें कहानी सुनाई जाती थी। एक औरत होती है, उसको दो बच्चे, एक का नाम होता, एक का नाम होता। जब वो माँ बुलाते को आ जाते, जब को बुलाते अंडो आ जाता है। तो ये हमारे एक ड्रामे पाकिस्तानी फीजा शीजा, इसकी भी यही कहानी है। इसमें भी पूरे ड्रामे में यही हुआ है, और अवाम का भी यही किया इन्होंने। तो भाई जी, होता है ये फीजा शीजा होती है दो बहनें, वो दो बहनें होती हैं, वो एक दोनों जुड़वा बहनें होती हैं पाकिस्तानी ड्रामे में दिखाया गया। और वो अपने अक्सर काम वो एक दूसरे के काम करती रहती है, मतलब फीजा का पेपर शीजा कर लेती है, शीजा का पेपर फीजा कर लेती है, और एक दूसरे के जो भी काम शाम होते हैं वो करती रहती है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ड्रामे में ऐसा वो दिखाया ना, फीजा की शादी होती है जैन के साथ, शीजा की शादी होती है फराज के साथ। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वो माहौल क्रिएट किया है कि ना, वो भाई शादी वाले दिन एक्सचेंज हो जाती है, यानी क्या कहती है, मैं शीजा हूँ, मैं फीजा नहीं हूँ। तो यही भाई जी दिखाया है कि पाकिस्तानी ड्रामे में कि लड़की एक्सचेंज हो गई, लड़कियाँ दो बहनें थी, दोनों एक्सचेंज हो गए, मतलब वो दूसरे के साथ चली गई, वो दूसरे के साथ चली गई, उसकी कैंसिल हो गई। उसकी बीवी ने बता दी, भाई मैं तो दूसरी वाली हूँ, पहले वाली मेरी बहन की शादी तेरे साथ हुई थी, उसने उसके साथ मना ली, अब मैं तेरे साथ नहीं मनाऊंगी। तो ये होता है। तो आप नाज़रीन देख लें, ये कोई कपड़े तो नहीं है जो एक्सचेंज हो रहे, बीवी किसके एक्सचेंज होगी? बीवी एक्सचेंज हो ही नहीं सकती। कोई जूते के आप जूता लेने गए हैं, क्यों आपने कहा जी भाई जी 10 नंबर का जूता दें? नहीं जी, आपने गलती से आप 9 नंबर का लेके आ गए। तो पूरे सोशल मीडिया पे ये फैल रहा है, यही है फीजा शीजा शीजा फीजा की कहानी क्या। और वो उसके निकाह में भी नहीं थी। अब उसने कहा तुम उसको तलाक दो, फिर तुम इसके साथ शादी करो, और ये सारा सीन क्रिएट हुआ।